उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी श्रमिक संघ का एक दिवसीय हड़ताल। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी श्रमिक संघ के बैनर तले पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय हड़ताल कलेक्टर परिसर में किया गया। आंगनवाड़ी सेविका ने अपने लंबित मामलों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। संघ की जिलाध्यक्ष उषा शर्मा ने बताया है कि हमारे मांगे अभी भी लंबित हैं, जिसको सरकार पूरा नहीं कर रही है। मांगों का मानदेय बढ़ाने की मांग है, सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनते हैं हमें न्यूनतम मानदेय के रूप में 21,000 दिए जाएं। आशा वर्कर और संगनी को स्टेव ना दिए नियमित किया गया। COVID-19 जैसे संक्रामक बीमारी में लगे आशा वर्करों आंगनवाड़ी वर्करों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य देखते हुए बीमा कवर और नौकरी प्रति माह 10,000 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। लंबित भुगतान जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि वह भुखमरी की कगार पर हैं। सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधा अवकाश के क्षेत्र में मिलती हैं वह सारी सुविधा हमारी आंगनवाड़ी से जुड़ी सेविका को मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी 62 वर्षीय की उम्र की रिटायरमेंट की योजना सरकार की गलत नीति है। पेंशन और फंड भी आंगनवाड़ी को दिया जाए ताकि वह अपना जीविकापार्जन सही तरीके से कर सकें। जो आंगनवाड़ी देश की पीढ़ियों को पोषित कर रही हैं उनको सरकार दर किनारा कर रही है। जिला अध्यक्ष ने राशन डीलरों पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि राशन डीलर आधा अनाज बांटते हैं और आधा नहीं बांटते। यह एक बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। रिपोर्टर आशुतोष शर्मा, केश कुमार गुप्ता, मथुरा। आंगनवाड़ियों ने अपनी मांगों को लेकर पहले से ही करती आ रही हैं, आज कोई नहीं किया। जब नहीं सुनवाई हो रही तो वो लगातार चल रही हैं। हमारी लंबित मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि हमारा मानदेय जो है बढ़ाया जाए और सरकारी कर्मचारी हमको नियुक्त किया जाए। उसके बाद जब तक वो सरकारी कर्मचारी नहीं बनाते हैं तब तक हमको 21,000 मानदेय दिया जाए जो हमारा न्यूनतम वेज है। दूसरी मांग है कि अभी इन्होंने जो नई मांग है कि 62 साल की आंगनवाड़ी होने पे हमको रिटायर कर दिया गया, जबकि जियो में ये था कि जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य है जब तक वो कर सकती है तब तक वो कार्य करेगी। जबरदस्ती रिटायर किया गया और सितंबर तक कार्य कराए और जुलाई 2020 से हमारा मानदेय रोक दिया है। उसके बाद ना कोई फंड है ना पेंशन है। बताइए इस उम्र में आंगनवाड़ी क्या करेगी, भूखी मरेगी ना। जो देश की सेवा करती रही आज तक, जो देश की पीढ़ी को सुरक्षित और पोषित करती रही उसका आज ये हाल हो रहा है। तीसरी मांग हमारी ये स्वयं सहायता समूह डीलर राशन डीलर हमारे ऊपर रख दिए गए हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और आधा बांटते हैं आधा नहीं बांटते। आंगनवाड़ी परेशान होती है, लाभार्थी उनकी पोर्टल पे शिकायत करते हैं, फिर लाभार्थी उनके पास जाती है, मनाती है और लिखवा के लाती है। क्या जिम्मेदारी है हमारी, या तो हमको पूरा दो और स्वयं सहायता समूह बंद कर दिए जाएं और मातृ समिति जो चल रही थी पहले मातृ कल्याण समिति उसमें ही कन्वर्ट कर दिया जाए। वो हमारे देखभाल करेगी, काम भी करेगी और हमारा भी हाथ बटाएगी जिससे कि हमारा भी सम्मान बचा रहे। इन्होंने तो हमारा सम्मान ही ताक पर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको नियमित कर दिया जाए, अन्य विभागों में न लगाया जाए। ये गवर्नमेंट जब से आई है 24 घंटे के इसके बंधुआ मजदूर हो गए। कम से कम पहले 2 बजे फ्री, जाड़ों में गर्मियों में 1 बजे फ्री हो जाते। हमारी आंगनवाड़ी बहन अपने बच्चों को भी देख लेती, परिवार को भी देख लेती। दूसरा कम से कम और कोई